तो नमस्कार राधे राधे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुनीता एस एस ऑफिशियल चैनल पर तो फ्रेंड्स आप सभी कैसे हैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे तो फ्रेंड्स अभी है सुबह का समय और सुबह के टाइम जो है ना हमारी घर की लिपाई हो रही है फ्रेंड्स जो आप लोग देखे हुए थे होली के टाइम पर ना जब त्यौहार आने लगा था उस टाइम पे हम लोग पूरे मतलब दीवार की पुताई किए थे तो किचन की भी मैंने थोड़ा सा कर दिया था क्योंकि यहाँ पस खाना सब्जी पकाते हैं इसलिए तो अभी फिर से यहाँ पस पुताई हो रही है क्योंकि ये ब्लॉग ना फ्रेंड्स दिन सोमवार की है तो उसी दिन हमारे यहाँ जो है ना त्यौहार मनाए तो उस दिन ना सारा घर को लिपाई करना होता है एक बार ज़मीन को तो इसीलिए ना मैं सुबह उठ करके ही लग गई हूँ अपने कामों पे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स तो आप लोगों को तो लग रहा होगा कि पुराना हो गया है यहाँ का लिपाई क्योंकि मैंने पहले ही कर दी थी एक बार पुताई जब दीवार को लिपाई किए उसी टाइम पे और बाकी जो इधर है ना उसको कुछ भी मतलब नहीं किए थे हम लोग नीचे का लिपाई तो उसी को आज ना पूरे घर की करने वाली हूँ फ्रेंड्स क्योंकि हम लोग पूरे घर को ना ऊपर का तो पूरा कंप्लीट कर लिए थे लेकिन ज़मीन जो है ना वो बाकी रह गया था तो आज के दिन में ही मतलब त्यौहार भी है और आज ही के दिन जो है ना लिपाई भी कम्प्लीट हो रही है हमारी ज़मीन की तो आप लोग बने रहिएगा वीडियोस पे कंटिन्यू और आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से आज की दिन जो है वो गुजरता है और क्या क्या काम करती हूँ मैं सारी चीजें आप लोगों तक शेयर जो है वो करूँगी फ्रेंड्स तो इस टाइम पे ना सभी लोग उठ गए थे लगभग और बच्चे लोग बाहर खेल रहे थे फ्रेंड्स दोनों बच्चे और हम लिपाई कर रहे थे और मम्मी भी बाहर पे काम कर रही थी क्योंकि काम कुछ ज्यादा हो गए थे हमारे लिए तो मम्मी जो है ना हमें अकेले नहीं करने देती है वो भी करने लगती है हमारे साथ साथ में तो ना बाहर गोबर की घोल बना रही है आंगन लिपाई करने के लिए और मैं घर की लिपाई कर रही हूँ तो पहले ना मैं किचन से ही शुरुआत करी हूँ फ्रेंड्स क्योंकि आग जलाने होते हैं सुबह में किचन में इसलिए पहले किचन की ही पुताई करूँगी उसके बाद मैं ना आग जलाऊँगी उसके बाद सारा घर की जो है ना मैं पुताई करूँगी तब तक मेरा आग जो है ना वो जलती रहेगा और उतने तक ना मैं लिपाई जो है वो कंप्लीट भी कर लूँगी और नहाने भी जाना है हमें उसके बाद ही आकर के खाना सब्जी पकाना है आज के दिन पे तो अभी ना मैं यहाँ पर देखिए चूल्हे साइड का पूरा तो कंप्लीट कर ली हूँ लेकिन अभी तुरंत घुसने से जो है ना पैर चपकता है लिपाई किया हुआ तो अभी थोड़ा सा इसको ना झंझकने देंगे नहीं हल्का सा सूखने देंगे यहाँ तक लिपाई करूँगी पूरा उसके बाद में फिर आग जलाऊँगी तभी जा के और लिपाई करूँगी और मम्मी जो है ना बाहर घोर बना ही रही है अभी तक क्योंकि आंगन ना फ्रेंड्स जब से मेरा तबीयत ठीक नहीं था तब से एक बार भी नहीं ली पाया था तो बहुत ज़्यादा ना धूल गर्दे हो गए हैं और अभी पानी भी बार बार आ रहा था तो उसके वजह से आंगन जो है ना और भी ख़राब है तो थोड़ा सा ज़्यादा घोर बना रही है और काला मिट्टी जो है ना वो घोल रही है लेकिन आप लोगों को उसको नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं इधर बना रही थी ब्लॉग अपना जो लिपाई है उसको तो बस आप लोगों को बता दे रही हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने मिला रखा है उसमें तो उसी की घोल बना रही है तो देखिए फाइनली मेरी किचन की ना सारा लिपाई जो है ना फ्रेंड्स वो कंप्लीट होने ही वाला है तो अब जा करके के अभी मैं इसमें आग जला दूँगी और कोयला आग तो आप लोगों को पता है कि आधा एक घंटा लगता है जलने के लिए उसके बाद ही हम लोग पका सकते हैं तो यहाँ ना मैं बिल्कुल सादे गोबर से पुताई कर रही हूँ घर पे नहीं मिलाए हुए हैं हम लोग वो काला मिट्टी सिर्फ बाहर के लिए मिलाए हुए हैं क्योंकि गोबर भी आजकल मिलना बहुत मुश्किल हो गया है फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल क्योंकि इस आस पास घरों पे नहीं है ना थोड़ा सा अलग लेने के लिए जाना पड़ता है दूर घरों पर तो कोई कोई घर वाले तो देते भी नहीं है त्योहारों के दिनों में क्योंकि उनको ही ज़रूरत रहता है गोबर का इसलिए सभी लोग नहीं देते हैं तो बहुत ही मुश्किल से मिल पाया था तो आंगन के लिए ज़्यादा हम लोग काला मिट्टी को ही मिला दे रहे हैं और घर के लिए गोबर से पुताई कर रही हूँ बिल्कुल सादा गोबर से और छबाई किए थे फ्रेंड्स पूरे घर की ना तो थोड़ा सा खसखस चल रही है लिपाई करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि नया फर्श बन गई है जब भी छबाई होता है तो नया फर्श ही बन जाता है एक बार लिपाई हो जाने के बाद तो मतलब फिसलन चलता है पूरा चिकनाई हो जाता है ज़मीन तो इसीलिए थोड़ी सी लेट हो रही है और किनारे किनारे का पूरा ना मैं सफ़ेद मिट्टी से कर दी हूँ फ्रेंड्स उसके बाद में ना गोबर से पोताई कर रहे हैं तो कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताइएगा गोबर और सफ़ेद मिट्टी की पोताई तो मैं ना सारी लिपाई करने के बाद आप लोगों को ना फुल लुक दिखाऊंगी फ्रेंड्स तो अभी ना मम्मी जो है ना वो गोबर का घोर बना चुकी थी उसके बाद में ना बाहर जो बर्तन पड़े थे उसको धो दे रही थी क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई थी बर्तन साफ़ करने में तो बर... सॉरी बर्तन नहीं वो लिपाई करने में तो मम्मी जो है ना वो बर्तन साफ़ करने लगी थी बोली कि मैं पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ उसके बाद में लिपाई करूँगी बाहर का बोली तो कर रही है फ्रेंड्स और मैं यहाँ पर लिपाई कर रही हूँ और हमारे जो है ना घर पूरा बिखरा पड़ा है फ्रेंड्स कुछ भी मतलब अच्छा जगह पे नहीं रखा हुआ है क्योंकि साफ़ सफाई चालू है इसलिए तो मम्मी यहाँ बस ना बर्तन को धो कर के घुसा रही है फ्रेंड्स उसको ना बोलती हूँ रहने दो फिर भी से मतलब बहुत ज़्यादा वो करने लगती है सारी काम को तो आप लोग देखे भी होंगे कि मम्मी जो है ना वो बर्तन साफ़ करके घुसा दी अंदर में और जो सीढ़िया रखा हुआ है तो उसको भी बाहर ले जा रही है सीढ़िया को और पूरे घर की लिबाई करनी होती है जिस दिन त्यौहार होती है उस दिन तो थोड़ा सा काम जो है ना ज़्यादा ही बढ़ जाता है हम मिट्टी के घरों वालों के लिए घर वालों के लिए और वैसे तो सारे दिन पोताई करते ही हैं लेकिन त्योहारों के दिन में ना खास करके पूरे घर की करनी होती है और क्या बोलते हैं हल्दी पानी थोड़ा सा छिड़काना पड़ता है क्योंकि हल्दी पानी को शुभ माना जाता है हमारे गांव घरों पे पता नहीं आप लोग मानते हो या नहीं लेकिन हम लोग ना हल्दी पानी छिड़काव को शुभ मानते हैं इसलिए जब भी त्यौहार आती है तब भी एक बार बिना त्यौहार का भी कभी, कभी कभी ऐसा करते हैं हम लोग तो देखिए इस तरीके से ना मैं पुताई करते करते किचन से ले करके पूरे दरवाजे तक पहुंच गई हूँ और मेरी आग ना फ्रेंड्स मैं जला दी हूँ मेरा आग जो है ना वो जल रहा है तो हल्की हल्की ना धुएँ भी घर पे है इसलिए थोड़ा सा जो है ना धुंधला धुंधला दिख रहा है तो धुएँ जो है ना पूरे घर में फैल जाता है कोयला आग का इसी वजह से जो है ना थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है और इस टाइम पे ना फ्रेंड्स जितना जल्दी सुबह हो सकता है जल्दी काम करो क्योंकि बहुत जल्दी ऐसे सीजन में जो है भूख भी लगने लगता है धूप बहुत ज़्यादा निकल आता है तो इसलिए ना हम लोग सुबह जल्दी उठ करके सारा काम जो है ना वो करते हैं हम लोग और जो अंदर में एक घर दिख रहा है ना उसकी पुताई हो चुकी है उसके बाद जो है ना बाहर की हो रही है तो वह पहले तो चूल्हे से ही शुरुआत की थी लेकिन वहाँ का थोड़ा सा पुताई करने के बाद ना उसको छोड़ दिए थे सूखने के लिए तब तक अंदर की हो गई और अंदर का आप लोगों को नहीं दिखाई क्योंकि वहाँ पे ना लाइट की प्रॉब्लम है लाइट जो है ना अंदर पे थोड़ा सा ठीक से नहीं है इसी कारण से मैं आप लोगों को नहीं दिखाई अंदर का बस बाहर पे थोड़ा सा अच्छा लुक आता है तो बाहर का बस दिखाती हूँ और आंगन साइड का तो देखिए यहाँ पर जो मैं काला मिट्टी करी थी दीवार पे दरवाजे के पास वो भी अच्छे से सूख चुका है और सफ़ेद मिट्टी से कर दी थी वो भी सूख चुका है तो इसको अब मैं बीच में गोबर से पोताई कर दे रही हूँ और ऐसे करने से ना बहुत ही अच्छा दिखता है दरवाजे का लुक तो आप लोगों को दिखाऊंगी जब सूख जाएगा ना तब कि कैसा लगता है तो अभी ना इस बार का तो सारा पुताई हो चुका है बाकी उधर का बाकी रह गए हैं तो आप सभी जो भी भाई बहन माता पिता मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स और इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और हमारे लिए ना इतनी बेस कीमती देने के लिए ना आप सभी को दिल से शुक्रिया फ्रेंड्स तो देखिए ना उधर का पूरा जो है ना लिपाई करते करते मैं दरवाजे तक आ गई हूँ और इस साइड पे एक हार्ट सब रखा हुआ था तो उसको हटा करके लिपाई की मैं उधर का आप लोगों को नहीं दिखाई तो उधर का भी मेरा कंप्लीट हो चुका है लिपाई उसके बाद में यहाँ पर दरवाजे के पास ही थोड़ा सा बाकी रह गया है मेरा तो यहाँ पे पूरा पता चल रहा होगा कि जब से छबाई किए थे तब से नहीं लिपाया था अब भी लिपाई हो रहा है गोबर से पहली बार छबाई की हूँ तब से तो इसी कारण से थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी नहीं बनता है लिपाई करने के लिए थोड़ी सी खसखस जो है ना वो चलता है क्योंकि छबाया हुआ है और इस टाइम पे ना फ्रेंड्स मम्मी जो है ना वो आंगन की लिपाई जो है ना शुरू कर दी थी और मैं अंदर पे थी और वो बाहर पे लिपाई कर रही थी तो उनका मैं आप लोगों को ना शुरुआत से वीडियो भी शेयर नहीं कर पाई फ्रेंड्स मिट्टी के घरों में बहुत से काम होते हैं फ्रेंड्स हर हर रोज ना काम ही काम होता ही रहता है लेकिन मिट्टी के घरों में अच्छा लगता है गर्मी के दिनों में तो और ख़ास करके अच्छा लगता है क्योंकि पक्के के घर में ना गर्मी के दिनों में बिना एसी कूलर के बगैर नहीं रह सकते हैं लेकिन मिट्टी के घर पे रह सकते हैं फ्रेंड्स इसीलिए और भी अच्छा लगता है मिट्टी का घर और ठंडी के दिनों में तो ठीक है पक्का का घर गर, लेकिन गर्मियों के दिन में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है पूरा जो है ना गर्म गरम लगता है पक्के के घर पर और कच्चा का घर पर ना वैसे नहीं लगता है अच्छा लगता है क्योंकि गर्मियों के दिनों में तो वैसे भी हवा चलती रहती है कूलर पंखा का जरूरत ही नहीं पड़ता ज़्यादा वैसे भी मतलब दिन बीत जाता है रात भी गुजर जाती है फ्रेंड्स मिट्टी और पक्के की घर में ना यही अंतर है और साफ़ सफाई करो ना तो मिट्टी का घर भी पक्का जैसा लगने लगता है अच्छे से सजा दो तो और नहीं सजाएंगे तब तो मिट्टी मिट्टी का ही घर रह जाता है तो देख सकते हैं मेरा पुताई जो है ना पूरा दरवाजे तक पहुंच चुकी है और कंप्लीट जो है ना वो होने वाला है तो मैं दरवाजे के पास का भी थोड़ा सा जो है ना डिज़ाइन बना दी थी सफ़ेद मिट्टी से तो उसको भी मैं यहाँ पास कर दे रही हूँ अच्छा लगता है देखने से भी देखिए इधर का जब लिपाया है तो कैसे लग रहा है किनारे किनारे साइड पे सफ़ेद है उसके बाद में गोबर से जब सूखेगा तो और दिखाऊंगी आप लोगों को इस तरीके से समाप्त तो हो चुका है घर का लिपाई उसके बाद में ना यहाँ देखिए मम्मी जो है ना वो झाड़ू से पुताई कर रही थी आंगन की तो देख सकते हैं इस तरीके से इसमें ना काला और गो काला मिट्टी और गोबर जो है ना दोनों मिलाया हुआ है और उतना ज़्यादा गड्ढा भी नहीं किए हम लोग गोबर को क्योंकि ज़्यादा गोबर नहीं मिला था फ्रेंड्स इसीलिए थोड़ा सा काला मिट्टी जो है ना वो मिला करके लिपाई कर दे रहे हैं तो बने रहिएगा लास्ट तक और आप लोगों को दिखाती हूँ तो मम्मी ने यहाँ पास घोल फिर से बना करके ले आई है लिपाई करने के लिए और हमारा आंगन भी थोड़ा सा ना बड़ा है इसलिए थोड़ी लेट हो जाती है लिपाई करने के लिए नहीं तो मैं घर को लिपाई कर रही थी ना उसी समय से लगी है फिर भी से ख़त्म नहीं हो चुक नहीं हुआ है और हमारी छोटी ना उधर से इधर हो रही है और उसके पापा जी इस वक्त घर पे नहीं थे बाद में ना फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना मैं अपने बरंदे की झाड़ू लगाने लगी थी क्योंकि सुबह का झाड़ू तो लगा था लेकिन घर की जब मैं लिपाई कर रही थी तो थोड़ा सा कचरा जो है ना ओ निकला हुआ था तो उसी को झाड़ू लगा रही थी और मम्मी जो है ना इधर लिपाई कर ही रही थी अभी तक भी उसके बाद में बरंदे की भी पुताई करना है हमें उसको भी करना है और उसको भी अभी मैं करना जो है स्टार्ट भी कर दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ना धूप हो जा रहे हैं देख रहे हैं तो धूप के टाइम पे ना अच्छा नहीं लगता है लिपाई करने के लिए भी तो मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स गोबर की घोल ले करके ना बरंदे की पुताई करने के लिए और ये जो घोड़ा कहते हैं ना उसको भी मैं कलर से पुताई की थी तो उसका भी किनारे किनारे का थोड़ा थोड़ा कर दी थी कलर को तो उसको भी मतलब गोबर से मतलब धरिया करके लिपाई करूँगी बहुत ही अच्छा लगता है देखने में तो मैं लिपाई करने के बाद ना उसको भी आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसे दिखता है सूखने के बाद आप लोग बने रहिएगा और बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहे थे फ्रेंड्स वीडियो इसलिए थोड़ी सी स्पीड कर दी है मैंने बहुत ज़्यादा घर का हो गया था और आंगन का भी क्योंकि हम लोग एक ही साथ में बहुत सारे किए थे तो बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए थोड़ा सा स्पीड कर दी हूँ और मेरे घर में फ्रेंड्स हमेशा मुर्गा मुर्गी का आवाज़ आते रहता है क्योंकि घर पर ही पाले हुए हैं तो किसी भी टाइम पर ना वो हल्ला करते रहती है तो देखिए इस तरीके से हमारी पुताई जो है ना वो कंप्लीट होने वाली है घर की और आंगन की तो आप लोगों को दिखाती हूँ फुल लुक कैसा लग रहा है ये देख सकते हैं बरंदे का है देखिए सूखने के बाद इस तरीके से दिखाई दे रहा है और घर को दिखाऊँ फ्रेंड्स तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है ये देखिए तो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरा घर का लुक लिपाई करने के बाद देखिए कच्ची फर्श उसके बाद में ना फ्रेंड्स यहाँ पस नहा धोवा करके आ गए थे हम किचन पे तो यहाँ पस आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स सब्जी जो कि क्या बोलते हैं सोयाबड़ी और आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ तो पहले मैं सोया बड़ी को यहाँ पस फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स तो आज ना आप लोग सोच रहे होंगे कि त्यौहार के दिनों पे ये क्यों बन रहा है तो आज के दिनों पे हम लोग नहीं खाएंगे फ्रेंड्स कुछ इसीलिए यही बन रहा है हमारे घर पे तो आज हम लोग इसी को खाएंगे और पकौड़ी वगैरह बाद में बनेगा अभी तो इंतजाम नहीं किए हैं इसलिए अभी नहीं बना रहे हैं सुबह में शाम को बनेगा तो मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी तो यहाँ पस ना सोया बड़ी की मैं फ्राई कर चुकी थी और मेरे लिए जो है ना वो सब्जी बना चुकी थी मैं इधर दूसरे कढ़ाई पे और उसको ना मम्मी लोगों के लिए बना रही थी सारे लोगों के लिए बच्चे लोगों के लिए तो देखिए यहाँ पसना मैं प्याज जो है ना वो डाल चुकी थी और आलू भी कट करके धो ली हूँ उसके बाद पहले मैं आलू को ही पक भून रही हूँ फ्रेंड्स डाल करके उसके बाद में ही बाद में सोया बड़ी को डालूंगी क्योंकि उसको तो मैं पहले से फ्राई करके रखी हुई हूँ तो इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों को पूरी शेयर नहीं करने वाली हूँ फ्रेंड्स तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथ में तो देख सकते हैं यहाँ जो है ना मैं टमाटर काटने लगी थी और नहा करके आए थे बस फ्रेंड्स और कुछ भी नहीं किए थे बाल वगैरह कुछ नहीं बना था बस इसी ऐसे ही किचन पे लग गए थे पकाने के लिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गए थे ना तो भूख भी बहुत अधिक लगने लगा था पूरे घर का काम किए सुबह में मम्मी के साथ में फिर नहाने के लिए साथ में ही गए हुए थे तो सारे लोग नहा करके आ गए थे तो मम्मी लोग बाहर थे बच्चे लोग भी बाहर थे और मैं किचन में थी तो वीडियो मैं यहीं से समाप्त करने वाली हूँ फ्रेंड्स और मिलूँगी अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स सभी को टेक केयर